लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। पवित्र श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक लगातार जारी है और कांवड़ियों के द्वारा भी लगातार विभिन्न शिवालयों पर जलाभिषेक किया जा रहा है। इसका कवरेज R9 भारत ने आप सब तक पहुंचाया है। आज इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे उल्टानाथ महादेव मंदिर की, जहां सावन माह के अंतिम सोमवारी में श्रृंगार पूजन देखने को मिला, जिसमें अद्भुत निराली छटा लोगों का मन मोहती हुई नजर आई है। आपको बता दें, विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के अंतिम सोमवार उल्टानाथ महादेव मंदिर में, जो कि प्रांगण भीड़ से धकाधक भरा हुआ था, शाम के 7 बजे से श्रृंगार पूजा शुरू हो गई। रात के 10 बजे तक लगातार पुरोहित आचार्य राम बाबा के मुख से मंत्रोच्चारण होते हुए यह श्रृंगार पूजन किया गया, जिससे पूरा मंदिर भक्तिमय रहा और हर हर महादेव के नारे से गुंजायमान पूरा क्षेत्र हो उठा। स्थानीय ग्रामीण संजय पोद्दार भी वहां पर मौजूद थे। हमारे संवाददाता ने कुछ लोगों से बात करी, देखिए R9 भारत टीवी स्क्रीन पर यह विशेष कवरेज। इस मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ जो भी सच्चे दिल से मांगा जाता है वो इच्छा पूरी हो जाता है। और सावन में 4 सोमवारी होता है, जो कि सोमवार के दिन भव्य श्रृंगार पूजा महाआरती होता है, और माह में एक बार महाशिवरात्रि होता है, जो कि मासिक शिवरात्रि के दिन भी भव्य श्रृंगार पूजा और आरती होता है। ये मंदिर है तारापुर पुरानी बाजार में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार पुद्दार। कहाँ घर है? पुरानी बाजार तारापुर। क्या मान्यता है इस मंदिर के? इस मंदिर में विशेष मान्यता है श्रृंगार पूजा, सावन में 4 सोमवारी, माह में एक शिवरात्रि में मासिक शिवरात्रि श्रृंगार पूजा किया जाता है। कब श्रृंगार पूजा किया जाता है? शाम में 7 बजे से। किस दिन को? किस दिन किया जाता है श्रृंगार पूजा? मासिक शिवरात्रि जब पड़ता है महीने में ही। सावन में किस किस दिन? सावन में सोमवार के दिन संध्या 7 बजे से। क्या नाम हुआ आपका? गोविंद कुमार। कहाँ घर हुआ? यही मंदिर के पीछे तारापुर।